क्या कहेंगे आज? आज हमारे दोनों भाइयों, बड़े भाइयों का जन्मदिन है और 1 जनवरी हमारे दोनों भाइयों का जन्मदिन आता है और 31 के दिन इनका जन्मदिन पूरी दुनिया ने मनाया और आज हमारे दोनों भाइयों ने एक समाज सेवा के जरिए, एक सोशल वर्कर के जरिए आज एक ब्लड कैंप रखा है। मैं दोनों भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ उनके सालगिरह पर। क्या कहेंगे आज जैसे इन्होंने कहा है कि भाई पूरी दुनिया ने मनाया है और आज आप जो इतने बहुत अच्छे नेक काम करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? तो हमारे नगर सेवक का बड़ापन है माशाल्लाह, जो हमारी इतनी तारीफ करते हो। और मैं सभी हिना नगर, पटेल नगर, चिकल थाना वाले आवाम से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करें। ये जो है तो नेक काम है ब्लड डोनेशन करना। गोया के जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरे इंसानियत की जान बचाई। और खून देते लेते वक्त कोई जात धर्म नहीं देखा जाता, मेन मसला ये है। तो हर कोई आए और अपना ब्लड डोनेशन करे, हो सकता कोई ज़रूरतमंद को आपका खून काम आए। सर अब तक कितने लोग आए आपके पास? अभी तक हमारे 10 बजे कैंप चालू हुआ था, 10:15 बजे, अभी तक 14-15-18 बैग हो चुके हैं अभी तक जी। और इंशाल्लाह ये 100 के ऊपर टारगेट जाएंगे। ये सर हम देखते हैं कि आमतौर से लोग बर्थडे पे केक काटते हैं, एंजॉय करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, बहुत कुछ किया जाता है, उनको क्या कहेंगे आपको मशवरा आपकी तरफ से? हमारा मशवरा यही है कि जैसा अल्लाह ताला ने अपने को दुनिया में भेजा है तो टाइम और वक्त फजूल ना करते हुए कुछ आवाम के वास्ते, कुछ दुनिया के वास्ते, गौर गरीब के वास्ते अपना टाइम मुकम्मल करके दे दिए तो अल्लाह इसमें भी राज़ी हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि अपन केक काट के धिंगाना करें, डीजे बजा के धिंगाना करें, ऐसा लोगों की खुशी में भी अपनी खुशी जाहिर होती है। तो सबसे यही अपील है मेरी कि आप भी कुछ ना कुछ गरीबों के ज़रिए कुछ ना कुछ करिए गरीबों के लिए, बस इतना कहना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मुख्तार बागवान। मैं फयाज पटेल। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुख्तार बागवान और राजू भाई ये दोनों ऐसा बर्थडे का ही नहीं बल्कि हर टाइम सोशल वर्क करते रहते और किसी की भी ज़रूरत रहें दो, कुछ भी रहें दो, ये लोग हमेशा हाजिर है। और मैं इनसे यही दुआ करूँगा अल्लाह से कि अल्लाह इनको ऐसी खिदमत करते रहने का मौका दे। ये ब्लड देना बोले तो एक सबसे अच्छी बात है और ये नूर हॉस्पिटल जा रहा है ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो कभी अपन ब्लड के लिए उनके पास गए तो वो कभी मना नहीं करते, चाहे ब्लड 2 बैग लगो 4 लगो 10 लगो वो हमेशा अवेलेबल रखते हैं। और मैं राजू भाई मुख्तार भाई से यही बोलना चाहता हूँ कि ऐसा ही काम करते रहो। इसके बाद इन्होंने ब्लड कैंप का हो गया, इसके बाद उन्होंने ये मेडिसिन का उसका सब ऐसा हर टाइम करते रहते हो, लेकिन आगे भी करते रहो। और ये जन्मदिन का ही नहीं खास, ये हमेशा ऐसे ही काम करते रहते, जन्मदिन के मौके पर ही नहीं हमेशा सोशल वर्क करते रहते। ये ब्लड डोनेशन हर साल रखते हैं हम जन्मदिन के मौके पर, राजू भाई मुख्तार भाई के। और ऐसा बर्थडे वगैरह कुछ करते नहीं, बहुत सारे इस्लाम धर्म में क्या बर्थडे करना कर नहीं सकते, तो इस मौके पर हम ब्लड डोनेशन रखते हैं कि भाई सभी को काम में आना, सभी को ज़रूरतमंद को काम में आना, किसी के पास पैसे नहीं रहते हमारे पास। हमने कभी ये ब्लड डोनेशन दिए तो वो नूर हॉस्पिटल वाले हैं ना, उनको कॉल भी करके बोले कि किसी को लग रहा है ब्लड, तो बंदा भेजे तो ब्लड दे देते उधर से। ऐसा हर साल करते हम, पिछले साल भी माशाल्लाह हमारे 75 ब्लड डोनेशन हुए थे, ये साल ज़्यादा कोशिश करने की तादाद में है हम। आपका नाम क्या है? समीर शेख। अच्छा, आज नगर सेवक आपके साथ में खड़े हुए, क्या कहेंगे इनके बारे में? इनके बारे में कुछ कहिए आप। नगर सेवक हमेशा हमारे साथ में खड़े रहते, कुछ भी मुसीबत रह दो हमारे पे, नगर कभी तो जाने हमारे, हाँ कभी कुछ भी रह दो। सोहेल नगर भैया, सोहेल भैया हमेशा हमारे साथ में। अच्छा भैया, मैं आपको खुद खुल के पूछ रहा हूँ, आप बार बार नगर सेवक कह रहे हैं, आने वाले समय में भी आपका साथ रहेंगे क्या? हाँ फिर बिल्कुल, क्यों नहीं रहेंगे, हमारा नहीं सबको ही साथ रहेंगे। नगर सेवक को तो कभी आधी रात को फ़ोन मारे उनको, एक फ़ोन पे उठ के आते हैं, कुछ भी काम रहो, अर्जेंट कुछ भी रहो, अच्छे में बुरे में कभी भी साथ देते हैं। आज हिना नगर या ठिकाणी RNK ग्रुप आणि मुख्तार भाई, राजू भाई यांच्या वतीने जे रक्तदान शिबिर आयोजित केले आहे त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून मी त्यांचे पहिले आभार मानतो। आणि त्यांनी जनहितासाठी, जनतासाठी आणि ब्लड डोनेशन हे आवश्यकता चीज वस्तू आहे, त्यामुळे त्या हिनानगरमध्ये त्यांनी जे रक्तदान शिबिर ठेवलं आहे आणि दरवर्षी रक्तदान शिबिर ठेवतात त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार मानतो। आणि अशीच जनसेवा त्यांच्याद्वारे घडत राहो अशी मी प्रभुचरणी प्रार्थना करतो। आणि माझे 2 शब्द संपतो सर, क्या कहेंगे?
आरएमके ग्रुप की ओर से मुख्तार भाई और राजू भाई इनकी ओर से इनका जन्मदिन एक आज है कल है ना, इस अवसर से गए साल से कितनी वर्ष चले आपने दोन वर्ष बसून रक्तदान डोनेशन कैम्पच मोट्या प्रमाणामध्ये हिनानगर ह्या भागामध्ये घेण्यात येतं आणि अत्यंत चांगला असा विस्तृत उपक्रम नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी रक्तदान करून रक्तदान हे सर्वश्रेष्ठ दान आहे हे निर्मित करू शकत नाही। रक्तदान हे रक्तदानातूनच माणूस पुढचं वाचू शकतो। एखाद्याला जीव दुसऱ्याला जीवदान देण्याचं काम मुख्तार भाई आणि राजू भाईंच्या मार्फत केलं जाणार आहे आणि भविष्यामध्ये ज्यांना आवश्यकता पडली समजा रक्तदानाची किंवा ब्लड डोनेशनची किंवा ब्लडची तर मुख्तार भाईकर मला वाटतं आता 100 कार्ड तर झाले असतील तर त्यांच्याकडून ते उपलब्धसुद्धा होऊ शकतात आणि अत्यंत चांगला पायंडा त्यांनी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त पाडला आहे। नाही तर केक कापून आणि डीजे लावून वाढदिवस साजरा केल्यापेक्षा रक्तदान करून समाजामधली एक चांगली सेवा करण्याचं काम सबब का काम कर रहे इसलिए मैं उनको उनके जन्मदिन के ऊपर और जो के उपक्रम कर रहे उसके मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ और आने वाले साल की भी हर सबको शुभकामनाएं देता हूँ। सर ये बस्ती सलम है, यहाँ पर बहुत समस्या समाज के लोग रहते हैं, खून देने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ पे आ रहा देखा था मैंने समाज काम रुका हुआ, विकास का काम रुका हुआ है और आप बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसा है अभी ये भाग जो है नया डेवलप हो गया है, नया बोल तो इसमें अभी 15-20 साल हो गए इसको, तो अभी नाना के माध्यम से हरिओ बागरे नाना ये भाग के आमदार है, ये इलीगल होने के बाद भी नाना ने स्मार्ट सिटी में दो रोड लिए थे, एक सावित्री नगर पटेल नगर हिना नगर, तो अभी इसका भी उद्घाटन हुआ है, इसका भी मेरे को लगता है ड्रेनेज लाइन का काफ़ी काम हुआ है, अभी आधे के ऊपर काम हुआ है, बहुत बड़ी बस्ती बन चुकी है। अभी रोड का भी काम अभी मेरे को लगता है 1 महीने भर में हो जाना चाहिए, चालू 2-3 महीने में काम उसका पूरा हो जाएगा। अभी गए 5 साल से कोई नगर सेवक नहीं है और इसके पहले जो नगर सेवक थे उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिए होंगे, या पहली बार नगर सेवक रहने के बाद में थोड़ा आदमी को समझने में भी वक्त जाता है, मगर अभी हम इसके ऊपर पूरा ध्यान देने वाले हैं और ये विकास भी अभी इसका भी पूरा विकास करेंगे। आप आपको शुभनाम पत्र दीजिए आने वाले इसमें साल भर में, अगला मेरे को लगता बर्थडे के दिन इधर तुमको बहुत सारे सुविधा उपलब्ध मिलेंगी। राजू शिंदे नगर सेवक था मैं N1 सिडको, अभी भारतीय जनता पार्टी के मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश प्रभारी हूँ। मैं पश्चिमी विधानसभा में काम कर रहा हूँ, कई साल में खड़ा था, सेकंड नंबर पे था, अभी ये बार भी मेरी पूरी तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारी बूथ रचना कम्प्लीट हुई है, सब हमारा बेसिक लेवल पे काम चालू है और वो काम पूरा हो जाएगा और भगवान ने चाहा खुदा ने तो वहाँ से आमदार भी हो सकता हूँ। सर एक सवाल ले लेते हैं सर, इस मौके पर जैसा आमदार की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मुस्लिम समाज का बड़ा एक वो है कि वो चाहते हैं कि आपको मुस्लिम समाज वो चीज़ नहीं दे सर, ये शिवसेना है ये भाजपा है, वो चाहते हैं हमको शिवसेना भी चलती भाजपा भी चलती लेकिन हमको विकास होना, तो मुस्लिम समाज को आपको उसको संदेश क्या है? मेरे बारे में नए से बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जिस वार्ड से नगर से अभी तक आता मैं 4 बार चुन के आया, मेरे वार्ड में दलित मुस्लिम ब्राह्मण सब जाति के लोग मेरे को वोट करते हैं। मेरे पास एक बारलूम बोल के एक बस्ती है जी। मैं नगर सेवक भी नहीं था 99 में, मैं 5 दिन कब्रस्तान के लिए उपासन को बैठा था और वहाँ पर उनको 2 एकड़ एक गुंटा कब्रस्तान जगह दिला के दी और उसके ऊपर कम से कम 50 लाख रुपए खर्चा करके विकास भी करके दिया, इसलिए वहाँ के सब लोग मेरे साथ में 500-550 मतदान है, 490 मतदान मेरे को वहाँ से मिलता है। आज अपने परिसरातले समाज सेवक श्री राजू भाई ज्यांचा आज वाढदिवस आहे आणि दुसरे नेहमी या भागातल्या जनतेची काळजी घेणारे मुख्तार भाऊ यांचा उद्या वाढदिवस आणि हे दोघंही आपल्या सर्व मित्रमंडळीसह समाजाच्या सर्व सार्वजनिक कार्यक्रमात समाजाच्या सुखदुःखात नेहमी सहभागी होतात, गोरगरिबांना अडीअडचणींना मदत करतात, आज त्यांचा आज आणि उद्या त्यांचा वाढदिवस आहे, या वाढदिवसानिमित्त मी दोघांनाही मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि दुसरी गोष्ट या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आमचे सर्व सन्माननीय मित्रमंडळी मला सगळ्यांचेच नाव घेता येतील कारण सगळेच माझ्या ओळखीचे आहेत, आमचे सहकारी आणि
आता माझी नाही म्हणता येईल, अजून आजीच म्हणता येईल जोपर्यंत निवडणूक होत नाही तोपर्यंत. सोहेल भाऊ, आजीज भाऊ, शफीक भाऊ आणि सर्व, जाफर भाऊ, आमचं पटेल आणि सर्वजण, आम्ही सर्वांच्या वतीनं त्यांना मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि त्यांनी जो हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे रक्तदानाचा, खरं म्हणजे रक्तदान, रक्तदान ह्याच्यात कधी कोणाचा जात आणि धर्म दिसत नाही, असं कधी होत नाही का. हिंदूचं रक्त म्हणजे भगवं असतं आणि मुस्लिमांचं रक्त म्हणजे हिरवं असतं. शेवटी रक्त हे रक्त असतं, माणसाचं रक्त सर्व एकच असतं. आणि हे दिलेलं रक्त, रक्तदानाचं महत्त्व एवढं मोठं आहे की जगात सर्वात आज महत्त्वाचं दान जर कोणतं असेल तर ते रक्तदान आहे. आणि एका व्यक्तीनं जर रक्तदान केलं तर ते 3 जणांना कामात येतं असं मला वाटतं. मला वाटतं हे पण सांगतील, एका जणांनं जर रक्तदान केलं तर ते 3 जणांना कामात येतं, वेगवेगळ्या व्यक्तींना. आणि म्हणून रक्तासारखं मोठं दान दुसरं कोणतं नाही आहे. आणि ते दान, रक्तदान हे आपण आपल्या वाढदिवसानिमित्त करून घेत आहात. हे खरोखर एक मोठं सामाजिक कार्य आहे. या कार्यासाठी आणि आपल्या वाढदिवसानिमित्त आपलं कार्य अधिक फुलो यासाठी पुन्हा एकदा शुभेच्छा, धन्यवाद. सर, अभी आपने कहा है कि खून का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन हमारे समाज में कुछ मुट्ठी भर लोग कई हिंदू मुस्लिम को रंग दे देते, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? ऐसा है, अभी किसने कौन सा रंग देना, उनका वो क्या बोलते, उनकी रोटी सेकने का काम है. और जहाँ तक समाज का हित है तो सब मिल के काम करने में ही समाज का हित है. सर, आपका शुभ नाम, आप कहाँ से? मैं संजय चौधरी, चिकलठाना से हूँ. सर, क्या कहेंगे, आज एक खून दिया जा रहा है, खून का हत्या किया जा रहा है, इसके मौके पे आपका कोई संदेश, पैगाम इंसानियत के नाम? ये बहुत अच्छा काम है हमारे राजू भाई और मुख्तार भाई के जन्मदिन के मौके पर, ये एक बहुत नेक काम किया जा रहा है. इससे खून देने से बहुत सारा फ़ायदा है और लोगों की जान बच सकती है इस खून के अतिये के वजह से. एक नेक काम है, एक बहुत अच्छा कदम है, इसकी हम जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है. और यहाँ की राजू भाई को, मुख्तार भाई को और उनके पूरे ग्रुप को, इसी तरह से नूर हॉस्पिटल की पूरी टीम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि हर साल की तरह उन्होंने इस साल भी ये ब्लड कैंप का इनेकाद किया है. इससे बहुत फ़ायदा होगा और इससे जो गरीबों को, जैसे ख़ास तौर से ज़रूरतमंदों को नूर हॉस्पिटल में फ्री में खून फराहम किया जाता है, जिस वक्त भी ज़रूरत रहती है ये लोग फ्री में खून देते हैं और आसानी से वहाँ से खून फराहम होता है. तो ये कैंप के लिए मैं पूरे उनकी टीम को भी, हॉस्पिटल की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ. आपका नाम, आप कहाँ से? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं यहीं हिना नगर में यूनानी दवाखाना चलाता हूँ. इस तरह से आपने देखा यहाँ पर हिना नगर में ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और नए साल की खुशियां हैं. ये तमाम जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सलम बस्तियों के, देखिए आजी माजी नगर सेवक, ये अच्छे उम्मीदवार हैं. और जहां हम शहर में देखते हैं बड़े बड़े लीडरा के बड़े केक कटते हैं, शॉपिंग खुलती है, बड़े बड़े ढाबे चलते हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन देखिए मानव सेवा कहते हैं ना, इंसानियत की ये सेवा है, ये है सेवा, ये है राजनीति, ये है मानवता की नीति. और जो दिखावा करते हैं वो कहने के मानव साथ खिलवाड़ करते हैं. एक हमारे भाई ने बहुत प्यारी बात की है हमारे, के खून को हिंदू मुसलमान नहीं होता है. और आज हमारे समाज में, हमारे देश में इसकी बहुत ज़रूरत है. और जब हम यहाँ पर आ रहे थे, हमारे चैलेंज टीम यहाँ पर आ रही थी, तो हमने देखा यहाँ रास्ते ख़राब हैं. तो बहुत हैरत की बात है कि जो सलम बस्तियों से लोग अपने खून देते हैं, अपने वतन के लिए खून देते हैं, किसकी जान बच जाए, और वही सलम बस्तियों में सुविधा नहीं होती है. ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि जो लोग, गरीब लोग जो चटनी मिर्ची खाते हैं वो खून देने के तैयार हो जाते हैं, और नेता लोग खून चूसने का काम करते हैं, तो कभी इन पे भी दया माया करो आप.
इनके विकास के लिए आगे करो। मैं इस शुभ अवसर पर संदेश देना चाहता हूँ तमाम देश के नेताओं पार्टियों को, यहाँ पर आओ और तमाम गरीब की बस्ती में जाके देखो, नया साल है, ये लोग खून देने का काम कर रहे हैं, तो क्या आप विकास के लिए निधि नहीं दे सकते? ये आपका कर्तव्य बनता है, ये आपका अधिकार है। उम्मीद करता हूँ संदेश को आप समझेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए ये तो ब्लड काम हो गया और इन्होंने बहुत बड़ी बात की है। आज औरंगाबाद के अंदर मिटपिटा पड़ेगा और चीन जगहों पे ज़रूरत है कब्रस्तान की, और साठ सात आठ साल से लड़ रहे। और देखिए बीजेपी के जिम्मेदार नेता है, इन्होंने कहा कि मैंने पाँच छः साल पहले ओपोजिशन पे बैठा था और मुझे समाज को कब्रस्तान दिलाने का काम किया था। बीस साल पहले और आज हमारे औरंगाबाद के अंदर हर पार्टी के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं और जहूर अठवाड़ा मिटपिटा और जो है तो अपने नारे गाँव में ये कब्रस्तान नहीं है, छः सात साल से लड़ा जा रहा है। अब सवाल ये है, फिर हम कहते हैं कि भाई बीजेपी फिरकापरस पार्टी है, वो जातिवादी पार्टी है, अब इन्होंने 20 साल पहले कब्रस्तान दिलाया है, अब सवाल ये मुस्लिम समाज कहाँ जाए, ये मैं आपसे पूछता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि लोग विकास के साथ जाएंगे, यही मेरी आपसे एक विनती है। धन्यवाद।